बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नियो पाकिस्तान में आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज का मौजू बहुत ही दिलचस्प होगा क्योंकि इस मौजू पे बात बहुत कम की जाती है। बाप बेटे का जो रिश्ता है, जो बड़ा एक लव हेट रिलेशनशिप होता है, उस पर बात हमें करनी ज़रूरी है। अगर बाप बेटे के रिश्ते में दूरी आ गई है तो ये दूरी आखिर कम कौन करेगा और कैसे करेगा? जिन शख्सियात को मैंने आज बुलाया है, इनसे बड़ी दिली वाबस्तगी है क्योंकि ये अपने अपने प्रोफेशंस के बेहतरीन लोग हैं। और आप यकीन माने कि जब मैं ये बात कह रही हूँ तो आई एम वेरी इमोशनल ऑल्सो, क्योंकि ये बेस्ट पोर्ट्रेल होगा बाप बेटे के रिलेशन का आज के शो में। तो आप ज़रूर देखिएगा आज का शो हमारा। डॉक्टर सदाकत, वी वेलकम यू विद योर सन। डॉक्टर साहब तारुफ कराएंगे अपने बेटे का। आई वॉन्ट टू सी दैट स्पार्क इन हिज आईज कि जब वो अपने बेटे की बात करते हैं, क्योंकि ये मेरे एंड पे इनजस्टिस होगी अगर मैं बात करूँ। डॉक्टर साहब तारुफ कराइए हमारा आप आज नए मेहमान। अच्छा, एक तो मुझे आज बहुत खुशी है कि ये पहला मौका है कि हम दोनों बाप बेटा किसी शो में एक साथ आए हैं। so thankful. ये एक अंदर की खुशी है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। अब्दुलरहमान सदाकत मेरे सबसे छोटे साहबजादे हैं, बच्चों में भी ये सबसे छोटे अच्छा। हैं और ये साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने यहाँ बीएन यूनिवर्सिटी से बीएस ऑनर्स किया और उसके बाद किंग्स कॉलेज लंदन से इन्होंने एडिक्शन स्टडीज़ में मास्टर्स किया। so he's exactly following your footsteps. हाँ, ये इनको बचपन से ही शौक था मेरे साथ चलने का और हमेशा मेरे प्रोफेशन को अपनाने का, जबकि मेरे बाकी बच्चे थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ प्रोफेशन उन्होंने अपनाया। और अब्दुलरहमान सबसे छोटे हैं जो एग्जैक्टली वही करना चाह रहे हैं जो मैं पिछले 40 साल God, से so proud, और इनके अंदर वही एक नेचुरल टैलेंट है। और ये मेरी गोद में होते थे तो मैं काम किया करता था एक जमाना। ओके, अब्दुलरहमान कमिंग टू यू, मुझे बताइए आप अपने बाप को एक बाप अच्छा देखते हैं या प्रोफेशनल? मैंने इनके साथ जैसे वो बता रहे थे कि काम जब ये करते थे तब भी मैं साथ होता था, तो एज अ साइकाइट्रिस्ट भी मैंने उनको बचपन से देखा है वर्क प्लेस में, और एज अ फादर रिलेशन भी बड़ा अच्छा मेंटेन किया है थ्रू आउट द टाइम। तो जितना ज़्यादा मुझे साइकोलॉजी में या साइकाइट्री में इनसे सीखने को मिलता है, उतना शायद ही यूनिवर्सिटीज़ में या पढ़ाई में उस तरह से मिला। एक डायरेक्ट लर्निंग मेरी थ्रू आउट लाइफ रही है इनके साथ। ग्रेट, और हमारे लिए बहुत एजाज की बात है कि जनाब मोहसिन नवाज साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त निकाला विलिंग वेज के बड़े ज़बरदस्त करता धरता भी हैं और आरजे भी हैं बड़े ज़बरदस्त। आप यकीनन इनको बहुत पसंद करते हैं। मोहसिन साहब से मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। तो मोहसिन साहब बतौर वालिद अपने बेटे का इंट्रोडक्शन आज कराने वाले हैं। मोहसिन साहब, पहली दफ़ा डॉक्टर साहब के साथ और अब्दुलरहमान सदाकत साहब के साथ मैं और मेरा बेटा मौजूद हैं और ये एक बहुत ही शानदार मेमोरी है। मैंने डॉक्टर सदाकत साहब से बहुत ज़्यादा सीखा। अप्रैल 1997 में जब मेरी डॉक्टर साहब से पहली दफ़ा बात हुई तो ये अपनी किताब मुकम्मल कर चुके थे, वन मिनट मैनेजर की सीरीज़ थी। और डॉक्टर सदाकत साहब की शख्सियत जो है वो माशाल्लाह इतनी एक ज़बरदस्त, अल्लाह ताला ने इनको विजडम से नवाज रखा है कि आने वाला वक्त ये बताएगा कि इनकी जो फ़िलासफ़ीज़ हैं वो हमारे कल्चर पर, माशरे पर और इंसानों की तारीख पर किस तरह से असरात मुरतब कर रही हैं। I can totally agree to it. एक बड़ी शानदार स्किल इनके अंदर, बहुत अल्लाह ताला ने इनको नवाज रखा है कि बनाना, संवारना और फिर ना जताना। इतना बड़ा ज़र्फ मैंने, मुझे नहीं इत्तेफाक हुआ देखने का। अली अहमद वान मेरे बड़े बेटे हैं और ये बीएस ऑनर्स कर रहे हैं जीसी यूनिवर्सिटी में। साइकोलॉजी ही इनका सब्जेक्ट है और चूंकि बचपन से ही डॉक्टर सदाकत साहब से विलिंग वेज से बहुत ज़्यादा लर्न किया, जो सीखा मैं घर में डिस्कस किया करता था तो वहीं से इनके अंदर भी शौक पैदा हुआ और ये सीखने लगे और साइकोलॉजी में ही इनकी दिलचस्पी। और दूसरे बेटे सलमान वो भी इंटर कर रहे हैं, उनका भी सब्जेक्ट साइकोलॉजी ही है। वाह भाई वाह। अली आप बताइएगा कि मोहसिन साहब से आपका रिलेशन कैसा रहा, दोस्ती वाला रहा या वो सख्त बाप रहे, क्या रहा मामला? थैंक यू सो मच आप सबका। और मैं ये बताऊं कि बचपन से जब विलिंग वेज की ट्रेनिंग्स कंडक्ट की जाती थी डॉक्टर सदाकत साहब की जानिब से, तो जब मेरे फादर वहाँ से लेकर आते थे वो ट्रेनिंग्स, तो हमारे साथ आके वो डिस्कस किया करते थे। तो सर, डॉक्टर सदाकत की जो बातें होती थी वो हम बचपन से सुनते आ रहे थे। और मुझे याद है कि जब मैं, मेरी ये 7 ईयर्स भी नहीं थी, तो तब से मैं 7 हैबिट्स को सुन रहा हूँ और उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा हूँ। तो तब से मैंने ये सीखना स्टार्ट किया और डॉक्टर सदाकत साहब की जब मैं वीडियोज़ देखता हूँ, उनके प्रोग्राम्स देखता हूँ, तो मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है।
अच्छा, आमतौर पर समझा ये जाता है कि जो फादर का और सन का रिलेशन होता है ये बहुत टफ होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, मगर मेरे नज़दीक ये जो रिलेशन है ये बहुत ईजी है, कम्फर्टेबल है। क्योंकि जब भी मेरे फादर कोई अपना आइडिया डिस्कस करते हैं हमारे साथ, तो वो अपने आइडिया को हम पर इम्पोज नहीं करते, वो हमसे सजेशन लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक फादर एक अच्छा लीडर भी होता है, और जो एक अच्छा लीडर होता है वो आपको ऑर्डर्स नहीं देता, वो आपसे सजेशन लेता है। और जैसे ये पूछते हैं डेमोक्रेसी, बिल्कुल डेमोक्रेसी, चलो जी घर में डेमोक्रेसी रही, वी विल टॉक मोर अबाउट इट। आप चारों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास हैं। सो हमजा हैज आल्सो प्रिपेयर्ड अ नाइस स्पेशल डिश टुडे। आज मैं बहुत खुश हूं, बड़ा अच्छा टॉपिक, इज वेरी नाइस, बाप और बेटे के बारे में, आई कैन रिलेट टू इट। मैं चाहूंगी डॉक्टर सदाकत आप सबसे पहले एक्सप्लेन कीजिएगा कि बाप बेटे का रिश्ता क्या होता है, क्योंकि बेटियों को हम देखते हैं कि वो बाप को भी बड़ा मैनिपुलेट करती हैं, अपने हिसाब से चलाती हैं, और माँ से भी हर चीज़ अपने दिल की बात कर लेती हैं। बेटा ज़रा यू नो आजकल हमारे आसपास जब हम देखते हैं तो डरता है, थोड़ा सा गैप है। बहरहाल ये ट्रेडिशनल है गैप जो बाप बेटे के दरमियान है, और रवायती तौर पर हमेशा से रहा है, लेकिन ये एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है और मुजस्सम मोहब्बत रिश्ता है। आप समझिए कि बाप और बेटे का रिश्ता, वैसे मैं तो बेटे में और बेटी में चूँकि फ़र्क नहीं करता, मेरे नज़दीक मेरी बेटियां और मेरे बेटे मेरे लिए बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन चूँकि बेटे साथ काम करते हैं तो ये एक नया रिलेशनशिप भी होता है। उन्होंने अगर फैमिली बिजनेस में आना है या जो काम आप कर रहे हैं आगे चल के आपके साथ करना है, तो उनके साथ एक रेपोर बनाना या अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर हम एक रूल को फॉलो करें। अच्छा। और वो रूल ये है कि आपका जो ये रिलेशनशिप है ये महदूद होना चाहिए इस बात पे कि आप बात करें, सुने, सोचें और समझें और जवाब दें और बात करें। इसमें जो डांट डपट है या किसी किस्म की जो सख्ती है उसकी गुंजाइश नहीं है, यानी कि बाप का डिक्टेटर होना कोई ज़रूरी नहीं है। कतई तौर पर ये बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव होगा, और बाप और बेटे के दरमियान एक रिलेशनशिप होना चाहिए जो सवाए मुजस्सम मोहब्बत के और कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेटे की हर बात मानेंगे, बात मानना एक अलग चीज़ है या ना मानना एक अलग चीज़ है, लेकिन मोहब्बत और इज़्ज़त कंटिन्यूसली करना, जैसे एक बेटे के लिए लाजिम है कि वो बाप की इज़्ज़त करे, तो बाप के लिए भी उतना ही लाजिम है कि वो बेटे की इज्जत करे। ये जो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने ज़िंदगी में अपने किसी बच्चे के साथ ऐसा रवैया नहीं इख्तियार किया जो मुझे याद हो कि जिसमें मैंने ज़ोर से बात की हो या कभी हाथ उठाया हो या कभी कोई मनफी लफ्ज़ पुकारा हो अपने किसी भी बच्चे के लिए एक दफ़ा भी। क्या बात है। अब ये जब घर बात करो कि आप गालियां निकाल रहे हैं, आप डांट रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आप यू कमिंग ऑन, आप मतलब कि आप बुरा फील करवा रहे हैं, तो कहते हैं हम अब्बू हैं, हम कर सकते हैं, हमारे वालिद साहब भी करते थे, हम भी करेंगे। नहीं, ये वो सब पुरानी होता है। ये सब पुरानी जो मिसालें हैं ये ऑब्सोलीट हैं, ये गए वक्तों की हैं, हमारे अपनाने की चीज़ें नहीं है। ये कहना कि माँ प्यो दियाँ गालां, दूध क्यों दियाँ नाला, तो ये जो बातें की जाती हैं ये सब गलत है। अगर रोड पे खड़े होके भी मैं तुम्हें जूते मारूंगा तो वो कतई बाप हूं। कतई नहीं, कतई नहीं, फिर एक दफा कहूंगा कि कतई नहीं, ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते आप कतई तौर पर अपने बच्चे को इनवैलिडेट नहीं कर सकते, आप उसकी हमेशा तस्दीक करेंगे, तौसीक करेंगे। ठीक है अब्दुल रहमान साहब, ये बताइए हमारे माशरे में, मशरकी माशरे में कहते हैं कि दोनों में से किसी एक का सख्त होना ज़रूरी है, माँ बाप में से, और इट हैज़ टू बी बाप, क्योंकि माएँ जो है ना बड़ा पूरा दिन वेट करती हैं बेटों के जो है ना शिकायतें लगाने के लिए कि जब बाप आ जाए मैं बताती हूँ, आज तो आ जाए मैं तुम्हें पिटवाऊँगी, तो बाप का क्या सख्त होना ज़रूरी है? देखिए ये कहा जाता है कि बाप का या माँ में से किसी एक का सख्त होना ज़रूरी है बच्चों से बात मनवाने के लिए, जबकि बात मनवाने के लिए सख्त होने की ज़रूरत नहीं है। बात मनवाने के लिए बातचीत करने का तरीका बेहतर आना चाहिए, कन्वर्सेशन का स्पेशलिस्ट होना चाहिए। सो माँ या बाप में से दोनों में से किसी को भी सख्ती या बुरा रवैया रखने की ज़रूरत नहीं है, रोब डालने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी कम्युनिकेशन डेवलप करनी चाहिए दोनों में से, दोनों को ही वैसे तो, लेकिन जिसकी किसी की एक की कम्युनिकेशन बेहतर होगी उसकी बातचीत ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी। और उसके लिए तो फिर सीखना पड़ेगा डॉक्टर सदाकत के पास आके पेरेंटिंग। एक्चुअली ऐसा स्किल है जो सबको ही सीखना चाहिए, लोगों को लगता है कि नेचुरली आ जाता है,
नेचुरल इसमें कुछ भी नहीं है, पेरेंटिंग भी उसी तरह किसी और रिलेशनशिप की तरह इसको सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो जबकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में नोटिस किया कि मेरा तो फादर की सख्ती का रवैया तो नहीं था कभी भी. जैसे वो कहते हैं कि बाप आए घर पे तो फिर बताएंगे, तो मैं तो वेट करता था कि अगर कोई डांट पड़ रही होगी तो शायद ये उससे भी बचा लेंगे. लेकिन इनका भी ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि सख्ती जरूरी नहीं है. अगर उनको कोई चीज बुरी लगती थी तो वो ये एक जुमला कहते थे. We have always been closer than the rest of the siblings. मेरे बाकी बहन भाइयों की निस्बत मैं ज़रा ज़्यादा ही करीब रहा हूँ. लेकिन मैं ये कहूँगा कि सख्ती बिल्कुल ज़रूरी नहीं थी. इनकी तरफ से बस वो एक जुमला आता था कि वो बड़े अफसोस की बात है अगर इन्हें कुछ पसंद ना आए तो. वही काफ़ी था. हाय डॉक्टर साहब. या मैं कहा करता था कि मुझे अच्छा नहीं लगा, बस ये काफ़ी था. वाह मोहसिन साहब, मुझे आप बताइएगा, बाप बेटे दोस्त हो सकते हैं? क्या ऐप होना जरूरी है या क्या बिल्कुल ही दोस्त बन जाएं, क्या करें? दोस्त बनना तो फिर जो है वो इसमें एक रोल रिवर्सल सा हो जाएगा. दोस्ती वाला रिश्ता तो बेटे से नहीं, दोस्ताना रवैया जो है वो एक हो सकता है. और इसमें जो है वो अगर हम बच्चों के साथ इस तरह से डील करें कि अपने रिश्ते को पहचानते हुए भी ऐसा कुछ रिलेशनशिप बनाएं कि अपनी फीलिंग्स को बेटा भी और हम भी बखूबी इजहार कर सकें. देखें कीबोर्ड्स पे इमोटिकॉन्स का भी तो अभी ऑप्शन आया थोड़ा सा पहले ही. फीलिंग लैंग्वेज भी तो हम लोग जज्बात के इजहार की जबान भी तो अभी सीख रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि ओबीडियंट का मतलब है कि हर बात मान लेना, तो ऐसा जो वालदैन करते हैं जैसे शुरू में बच्चे को चलाने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं और जब बच्चा चलने लगता है तो फिर उसे कहते हैं कि तुम कहीं टिक के क्यों नहीं बैठते. जब वो बोलता नहीं पहले उसे बुलवाने की प्रैक्टिस करवाते हैं और फिर कहते हैं कि तुम कभी चुप भी कर जाया करो. तो ये हम बच्चों के साथ बाजू का थोड़ा खेलना सा शुरू करते हैं. too much, है ना? और उस खेलने में हम ये भूल जाते हैं कि वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है. एक अनोखी सी बात शायद लगेगी कि बड़ों का एहतराम और बच्चों से प्यार हम सुनते आए हैं, लेकिन बच्चों का भी एहतराम कोई चीज होती है. अगर आप बच्चों से एहतराम का रिश्ता बनाते हैं, रिस्पेक्ट जो कि हर रिलेशनशिप में बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पे, क्योंकि बच्चे हमसे सीखते हैं. जब हम पहली दफ़ा गुस्से का इजहार करते हैं तो वो सीखते हैं कि अच्छा गुस्सा भी कोई अंदाज होता है बात मनवाने का. जब हम मारते हैं किसी को या हमें मारते हुए देखते हैं वो सोचते हैं अच्छा इसका मतलब ये भी कोई लैंग्वेज है. और जब हम रिस्पेक्ट की लैंग्वेज बोलते हैं तो वो सीखते हैं अच्छा इसका मतलब इज्जत दे के भी कोई बात की जा सकती है. तो बाप और बेटे के दरमियान जो है वो एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है. अब्दुर्रहमान सदाकत जैसे जो क्रूशियल नेगोशिएशंस पर अभी बात जैसे कर रहे थे कि बात को सख्ती से करना जरूरी नहीं है, अदर ऑप्शंस भी हैं. जो यूथ है वो सोचता क्या है बाप को लेके, बाप का क्या इमेज उसके दिमाग में बना हुआ है? अली, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट? जी बिल्कुल. इसमें ये होता है कि बहुत दफ़ा पेरेंट्स कंडीशन कर देते हैं बच्चों को कि अगर आप इतने मार्क्स लेंगे तो हम आपको बाइक लेकर देंगे, अगर आप इतने मार्क्स लेंगे तो हम आपको तब प्यार करेंगे. तो जब ये कंडीशन हो जाता है तो उसके बाद बच्चे फिर वैसे ही एक्सपेक्ट करने लगते हैं. हमेशा बच्चों के कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि वो चाहते हैं कि अपने फादर के साथ शेयर करें, मगर क्योंकि कम्युनिकेशन गैप इतना आ जाता है उनके फादर. क्यों आता है अली? क्योंकि उनके फादर उनकी बात नहीं सुनते. और जो बच्चा होता है उसे भी चाहिए कि वो सीखे कि वो अपनी बात को कैसे कन्वे कर सके एक ईजी वे में. प्रॉब्लम्स क्या आ रही होती हैं आपकी एज के बच्चों में कि वो बाप से क्या मनवाना चाहते हैं या क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बाप उनकी बात सुने? बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि वो कंडीशन हो जाती है कि बहुत चाहते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि मैंने आईफोन लेना है, कुछ लोग चाहते हैं कि वो उन्होंने बाइक लेनी है एक, तो वो चाहते हैं कि अपने फादर के साथ भी बात करें, मगर उनके फादर फिर उनको उन्होंने पहले शर्त लगाई हुई ये करोगे तो ये होगा. तो आपको एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा? मेरा बहुत डिफरेंट रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे वैसा डील नहीं किया जैसे कि आम पेरेंट्स करते हैं. मुझे हमेशा जब भी इवेंट्स पे जाते थे तो अपने साथ लेकर जाते थे. हमेशा मुझे इंतजार रहता था कि जब इन्होंने 7:30 के ऊपर घर आना है तो हमें कुछ नया सीखने का मिलेगा. विलिंग वेस्ट की नई ट्रेनिंग्स हम जो डॉक्टर सदाकत साहब कंडक्ट करते हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा. तो बहुत से फिर हम टुगेदर एक टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत कुछ फिर सीखने का मौका मिलता है मेरे भाई को भी और मुझे भी. राइट अली, थैंक यू. डॉक्टर सदाकत, दो तीन सवाल. एक तो आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया, लेकिन मैं चाहूँगी मजीद बताइए कि बाप नापसंदीदगी का इजहार कैसे करें, और दूसरा इख्तलाफात अगर बढ़ चुके हैं और बड़ा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे लग रहा है कि चीज़ें पहुंच गई हैं, तो फिर उसको कम कैसे किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि नापसंदीदगी का इजहार जो है ये बहुत तकलीफ देह है, और ज़्यादातर वालिद अपने बच्चों पे तनकीद करते हैं जिसका मुख्तसर
पैगाम ये होता है कि तुम कोई ख़ास नहीं चीज़ हो, तुम बस ऐसे ही हो। हकीकत में बच्चे जो हैं, आज के बच्चे जो हैं, वो हमारे बचपन की नस्बत ज़्यादा जानते हैं, उनका नॉलेज ज़्यादा है, उनकी स्किल्स ज़्यादा हैं, और वो ऐसे गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, तो वो हमारा बेहतर एडिशन होते हैं। सो एक बाप और बेटे के दरमियान एक तो तनकीद का रिलेशनशिप जो है वो बड़ा डेलिकेट है, इसमें तौहीन का पहलू नहीं होना चाहिए, तनकीद का पहलू हो तो वो बड़े सुलझे हुए अल्फाज के साथ होना चाहिए, और थ्रेट नहीं कर सकते आप अपने बच्चे के साथ, हाथापाई नहीं कर सकते कभी भी, आप उसे इंटिमिडेट नहीं कर सकते। ये एक ऐसे एनिमल बिहेवियर्स हैं जिनसे हमें बचने की ज़रूरत है, हमें ह्यूमन स्किल्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जिसका मतलब है कि आप लॉजिक से समझा सकें, पहली बात ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि आप जज्बात बीच में डाल सकें जिससे कि आपकी बात का असर जो है वो ज़्यादा यानी बेहतर तौर पर हो जाएगा। और तीसरी चीज़ मैं ये बता दूँ कि आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए कि आपके बिहेवियर्स कंसिस्टेंट हैं, वो मूड पे डिपेंड नहीं करते बल्कि वो लॉजिक पे डिपेंड करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रेडिबिलिटी के हमारा जो बाप है वो जब भी बात करेगा तो किसी प्रिंसिपल सेंटर्ड तरीके से बात करेगा। तो ये जो एक रवैया है बाप का अपने बेटे के साथ, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप बेटे की हर बात मानेंगे। आप हो सकता है चार में से एक या दो बातें माने। मना करने का क्या तरीका होगा डॉक्टर साहब? और मना करने का तरीका ये होता है कि जब आप किसी को मना करते हैं तो उसमें फिर तलखी नहीं डालनी चाहिए। जब आप किसी की हाँ में हाँ मिलाते हैं तो बेशक आप थोड़ा मूड ख़राब कर लें, जब आप किसी की बात मानते हैं तो बेशक बहुत ज़्यादा कर्टियस ना हो, लेकिन जब आप किसी की बात नहीं मानते तो उस वक्त तवज्जो से बात सुन लेना, चेहरे पे तासर अच्छा रखना और ना कह देना जो है वो ज़्यादा मुज़र नहीं होता, बनिस्बत इसके कि आप ना भी कह रहे हैं और साथ आप चेहरे के तासरात पहले ही ख़राब करके रखे हुए हैं। तो जो बात करना है ये हम सबको सीखने की ज़रूरत है, और ये जो हम घरों में थोड़ी बहुत ज़बानदानी सीख लेते हैं बचपन में, ये काफ़ी नहीं है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आला दर्जे की जो गुफ्तो शनीद है वो सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अपने अहले खाना के साथ भी और बाहर के लोगों के साथ भी हम अच्छी बातचीत तब कर सकते हैं जब हमने इसे बकायदा सीखा है। ये जो गलियों में ज़बान सीखी जाती है या घर के अंदर ज़बान सीखी जाती है, ये गुजारे मुजारे की ज़बान है। असल ज़बान वो है जो हम आगे बढ़ के फिर सीखते हैं, बाकी स्किल्स जैसे अब सीखते हैं, स्किल डेवलपमेंट पे काम होता है। जानना चाहूँगी अब्दुल रहमान सदाकत साहब से कि आप मुझे बताइए, व्हाट डू यू थिंक, इख्तलाफात दूर कौन कैसे करेगा? मैं डॉक्टर साहब से भी कमेंट करूँगी, बट वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? असल में मैं बार बार फोकस करता हूँ कि बातचीत से बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई हो सकती हैं, तो किसी की तरफ से भी इनिशिएटिव हो सकता है। ये थोड़ा सा ईस्टर्न वर्ल्ड में पेरेंट्स में ये ज़रूर है कि अक्सर बातचीत नहीं सुनी जाती और कहा जाता है मुझे ज़्यादा बेहतर पता है, या फिर मेरे से बहस नहीं करने की ज़रूरत, जबकि पूरी किसी की जो है वो डिस्कशन सुन लेनी चाहिए। उसके साथ एक हेल्दी इन्वायरमेंट में बातचीत करें तो आपकी रिलेशनशिप में कोई इश्यूज नहीं आएंगे उसके उसकी वजह से। ओके, तो लेकिन मेनली आई थिंक अब्दुल रहमान साहब के बाप को इनिशिएट करना होगा। अगर ये शुरू में किया जाता है तो एक सर्टेन एज पे अगर इवन बच्चे भी ट्रेनिंग हासिल करें तो वो भी असर्टिवली कम्युनिकेट ये कर सकते हैं कि बात सुनना तो ज़रूरी है, उसके बाद बेशक आप इनकार कर दें, उसमें आप इतराज़ करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सुन लिया जाए। लेकिन हाँ, जाहिर है ज़्यादा अथॉरिटी इस रिलेशनशिप में बाप के पास है, फादर के पास है, तो उसका ज़्यादा असर कन्वर्सेशन में फादर का ही रहता है, तो उनको ही एक ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि मौका दें बच्चों को अपनी बात कम्युनिकेट करने का। मोहसिन साहब, आपको लगता है हमारे माशरे में माओं का किरदार थोड़ा नेगेटिव रहा है? नेगेटिव तो नहीं कह सकते, थोड़ा उनके साथ क्योंकि उनका इमोशनल ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा होता है, वो लॉजिक्स को इतना सीखती नहीं, तो इस वजह से शायद वो बच्चों को डील करने के जो देसी तरीके हैं वो इस्तेमाल करती हैं। जैसे बच्चा अगर कोई बुरी आदत अपनाता है तो वो उससे रो के या मिन्नत तल्ला करके उसको जो है वो कायल करना चाहती हैं, कन्विंस करना चाहती हैं। इसी तरह जो वालिद है कई जगह अगर अवेयरनेस ना रखते हो तो वो डरा धमका के जो है वो उनसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं।
पेरेंटिंग जो कि दुनिया का मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है, बहुत टेक्निकल काम है कि आप अगर एक इमारत बनाते हैं तो उसके लिए तो आप अच्छे से अच्छे आर्किटेक्ट से मशवरा करते हैं, बहुत अच्छा मैमार ढूंढते हैं, लेकिन आप एक इंसान को बनाने के लिए अंदाजे से काम करते हैं ये सोचते हुए कि जैसे हम हरफन मौला हैं, हम वालिद या वालदा के मनसब पे फायज कर दिए गए हैं, तो अब हमें ये कुदरती तौर पे पता ही है कि इन्होंने कैसे बनना है। वो डॉक्टर सदाकत अली साहब जो जिनकी बातें माशाल्लाह किसी भी हर हर जुमला इनका कोटेशन जैसा होता है, तो इनका एक कोट मैं यहाँ नौजवानों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी ज़रूर कोट करना चाहूँगा, और वो है कि पढ़ो, लिखो, सुनो, बोलो, दिखाई दो, खड़ा करो और कदमों के निशान छोड़ जाओ। इस पूरे में इसके अंदर सब कुछ मैसेज है लर्निंग का। तो अगर हम सीखते रहें और अपने आप को लर्निंग के साथ एसोसिएटेड रखें तो कोई वजह नहीं है कि आज का इंसान जो माजी के इंसान से काफ़ी बेहतर तरीके से डील करना सीख गया है तो आने वाला इंसान आने वाले वक्त के मुताबिक अपने आप को ढाल सकेगा। राइट बेटा, आप अली क्या सोचते हैं, अक्सर जब आप इंटरेक्ट करते हैं अपनी एज के लोगों से तो उनके उनके अंदर जो एक एग्रेशन पाया जाता है उसको किस तरह से चैनलाइज किया जा सकता है? जब यंगस्टर्स जो होते हैं उनके अंदर एनर्जीज होती हैं, बिल्कुल उन्हें चैनलाइज करना चाहिए। और इसमें कैसे होगा अली, व्हाट डू यू थिंक? जैसे बहुत से यंगस्टर्स जो हैं वो लव अफेयर्स में होते हैं आजकल, और इस एज में वो समझते हैं कि अगर वो लव अफेयर में नहीं है तो वो एक कंप्लीट इंसान नहीं है। तो सबसे पहले तो ये उन्हें देखना चाहिए, अपने फादर के साथ डिस्कस करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। और आमतौर पर ये देखा गया है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते हैं, वो बच्चों को बच्चा समझते हैं और हमेशा उन्हें दूर रखते हैं बड़े बड़े डिसीजन से। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं समझता हूँ कि डिसीजन मेकिंग के भी मसल्स होते हैं, इन्हें भी पावरफुल करना चाहिए। तो जब बच्चों को आप इन्वॉल्व करते हैं छोटी छोटी चीज़ में, उनसे राय लेते हैं, तो वो बच्चा अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल इंसान समझता है। वो समझता है कि मेरी भी एक हैसियत है, मैं भी एक पूरा मुकम्मल इंसान हूँ। तो वो फिर अपनी उन एनर्जीज को जो उसकी नेगेटिव वे में जा रही होती हैं वो उसे फिर एक पॉजिटिव वे में यूज़ करने लगता है और फिर वो एक्सेल करता है। बच्चों को फैसिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, दोनों के दरमियान बैलेंस सकते हुए अगर फैसिलिटेट किया जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाए तो बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। क्या बात है मोहसिन साहब, असल में ये रिलेशनशिप जो है ये बड़ा बचपन में इन्फेंट जिस एज में होते हैं ना वहाँ से डेवलप करना ज़रूरी है। तो आपको एक बचपन से एक बॉन्ड डेवलप करना ज़रूरी है जो कि बढ़ती एज के साथ कम्युनिकेशन में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। अगर एक लंबा गैप आ जाए तो उसके बाद ये रिलेशनशिप डेवलप करना रिलेटिवली मुश्किल हो जाता है। आई एम श्योर अबाउट दैट। रोल ऑफ द मदर, जो बाप बेटे का रिलेशनशिप है और उसमें जो मदर का रोल है, ये मैं समझता हूँ कि मियाँ बीवी को आपस का कोई इख्तलाफ जो है उसमें बच्चों से मदद नहीं लेनी चाहिए। जैसे जब पाकिस्तान और इंडिया में कोई झगड़ा होता है तो आप मदद अमेरिका से और चाइना से लेते हैं, आप नेपाल से, बर्मा से और काठमांडू से और इधर से मदद नहीं लेते। तो बच्चों को एक प्यार और मोहब्बत से माँ बाप को दोनों को अपने अपने तौर पर डील करते रहना चाहिए। और बच्चों से बाप का जो रिश्ता है ख़ास तौर पर, चूँकि बाप थोड़ा तगड़ा एक जेन में कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको थोड़ा मेलो डाउन करने की ज़रूरत होती है कि बाप से बच्चा कभी थ्रेटेंड फील ना करे, क्योंकि आपके पास इंतजार करे बाप का कि वो घर आए। हाँ, और आपका चूँकि बहुत आसानी से आप ख्यालात एक दूसरे तक पहुँचा सकते हैं, लिहाजा घूरने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो ह्यूमन लेवल है और एनिमल लेवल है, इसके दरमियान एक क्लियर लाइन खींच के रखनी चाहिए कि हमने ह्यूमन लेवल के अंदर रहना है, यानी ऊपर ऊपर रहना है और नीचे जो एक एनिमल लेवल है उसकी तरफ नहीं गिरना। अगर इस चीज का ख्याल रखेंगे तो बाप बेटे से ज्यादा खूबसूरत रिलेशनशिप और दुनिया में कोई हो नहीं सकता। क्या बात है डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू ऑल। माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा, आप लोग आए और बहुत हमें इज्जत दी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदाकत रहमान साहब, बहुत शुक्रिया मोहसिन नवाज साहब, अली, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। आपने भी नियो पाकिस्तान देखा, से एक घंटे में अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। Pakistan, Pakistan।